हर माँ मेरे भी दिल में सोहिल सफर यूं पल में हुए हैं। मुस्कुराते पल है कैसे मेरे सपनों के आस पास, उनसियत की खुशबू जैसे रहती अपनों के आस पास। मेरी सोचें बदली सारी, तुमने यूं कर दिया असर। मेरा पल पल चाहतों बूंदों में हो गया है तर। हम सफर, 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 हम सफर। मॉम प्लीज। तुम माइंड मत करना, लेकिन काशान की बीना से इतनी गहरी दोस्ती भाई मेरी समझ में तो नहीं आती। मॉम काशान मुझसे हर बात शेयर करता है, अब तो जैसे घर से कट सा गया है। वही सपोर्ट उसको बीना से मिल रही है जो मुझसे मिलनी चाहिए। असली मुजरिम तो मैं हूँ, मैंने तुम्हें अपने कामों में इतना मसरूफ कर लिया कि तुम्हारे पास मारिया के लिए वक्त ही नहीं रहा। माफी मुझे उससे मांगनी चाहिए। कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, कोई जितना भी परेशान हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या परेशानी हो गई? मैं खवातीन के साथ मिलकर उनके हकूक के लिए काम करना चाहता हूँ। झूठ बोल रहा है सब कुछ। आप पाकिस्तान छोड़कर क्यों गए थे? मैं कभी भी पाकिस्तान छोड़कर ना जाता, मगर मेरे वालिद सियासी इंतकाम की जद में आ गए, इसलिए मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। शकील हसन बदनीयत, बददयानत और बदकिरदार है। उस्ताद बद बद इतना बद के बदबू। लड़की का कुछ पता चला? नहीं साहब जी, दुकानदारों से पता चला है कि उसे अस्पताल लेके। कौन से हॉस्पिटल? साहब जी ये तो वहां किसी को नहीं पता। तो मालूम करो ना। तुम कुछ हिम्मत करो बेटा, मिल जाएगी मारिया। आंटी क्या हिम्मत करूं, कब आएगी कैसे आएगी, पता नहीं कहां चली गई है। जमाल का भी कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं। आंटी वो अंकल हॉस्पिटल्स में देखने गए हैं। काशान तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। काशान तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? काशान इस तरह यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हम लोग, हमें जाकर देखना होगा, ढूंढना होगा। चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो जी। जमाल क्या मारिया का पता चल गया? ओके ओके अल्लाह का शुक्र, जमाल घर आ रहे हैं, मारिया का पता चल गया। ओह गॉड आई एम सो हैप्पी।
हाँ ठीक है, हाँ वो चेक लेके ना, हाँ जमा करा दो। हाँ और वो जो मैंने कहा था ना शाहिद साहब से फाइल लेके, वो तुम मुझे पहुँचा दो। हाँ जी साहब जी, ये वही लड़की है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। मारिया नाहिद सड़क पार करते हुए गाड़ी से टकरा कर जहाँ बहक हो गई। ये वो लड़की तो नहीं? जी जी साहब जी, यही लड़की छोटे सरकार की गाड़ी के नीचे आई थी। तुम ऐसा करो, तुम फौरन गांव चले जाओ और अपनी जगह कोई तुम्हारा जानने वाला ड्राइवर हो उसे भेज दो। जी साहब जी, मेरा एक दोस्त है, अगर आप कहें तो उसको भेज दूं। हाँ हाँ अब भेज दो। और सुनो, और जाके रमीश को खाला के यहाँ से लेके आओ। जाओ जल्दी जाओ। जाओ जाओ जाओ। हेलो रफीक यार, मुझे एक सीट चाहिए अपने बेटे के लिए न्यूयॉर्क के लिए। हाँ जी हाँ, किसी भी एयरलाइन पे कर दो। हाँ यार, कोई भी क्लास में। यस ओके, पहुंचा दो टिकट मुझे। खुदा हाफिज। शायद प्लीज अपने डैड को बुला लो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मैं दिन रात, और वैसे भी he should be here, I need his support. आखिरकार ये उनका भी तो बेटा है। और मुझे सिर्फ डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग भी तो है ना इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ। रिलैक्स मां। हेलो खालिद, आप जल्द से जल्द इधर आ जाएं। काशान को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, वो जो लड़की को पसंद करता था उसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। मुझे कुछ नहीं पता। मॉम प्लीज। हेलो डैड। देखिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, मॉम खामखा परेशान हो रही हैं। काशान को सिर्फ डिप्रेशन है और कुछ भी नहीं। देखिए हम जल्दी में यहाँ पर आएंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, आप आराम से सब कुछ समेट कर हमारे पास आ जाओ, हम लोगों को आपकी जरूरत है। अल्लाह हाफिज़। अबे अब्दुल रहमान, तू सुल्तान क्या हाल है? अरे भाई 10 साल के बाद यूं अचानक? अरे तू कहां है यार, नजर ही नहीं आता यार। अबे यार क्या बताऊं, जब से बीवी मरी है मेरा बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। अरे यार, अच्छा यार एक बात है, पहले वादा करके इनकार नहीं करेगा? तू काम तो बोल। तुझे मेरी जगह ड्राइवर की नौकरी करनी है एक महीने यार, मैं गांव छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान ये काम मैं छोड़ चुका हूँ यार, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये मैं काम किसी और को दे भी नहीं सकता। हैना साहब, मेरी आज खवातीन के साथ मीटिंग है क्या? आप उसे कैंसिल कर दीजिए, मैं अटेंड नहीं कर सकूंगा। मारिया की जिंदगी इतनी कम थी और मैं उसके साथ लड़ती रही,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इंसान उस तकबल के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बनाता है। आज ही को गनीमत समझ कर जीना चाहिए। बेचारे काशान पे क्या गुजरी होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। इस वक्त उसे मेरी जरूरत होगी। देखो मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एयरपोर्ट पे तुम मेरे बेटे को रिसीव करना। बाकी सब कुछ मैंने तफसील से ईमेल में लिख दिया है, वो पढ़ लेना। थैंक यू, थैंक यू खालिद, अल्लाह हाफिज। साहब जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा दोस्त है सुल्तान, ये मेरी जगह काम करने के लिए तैयार है। पहले कहाँ काम किया? हम दोनों पहले एक ही घर में काम करते थे, फिर वो साहब अमेरिका चले गए। आजकल कोई काम नहीं कर रहे क्या? नहीं जी। ठीक है अब्दुर्रहमान, तुम्हारे भरोसे पर इसे रख रहा हूँ, तुम एक महीने के बाद वापस आ जाना। बाकी इसको सारा काम समझा दो कि इसने क्या क्या करना। ठीक है साहब। ठीक है। Is everything all right? I mean, आप काफी tense लग रहे हैं, are you fine? हाँ बेटा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिका चले जाओ। What? Why? इसलिए कि जो लड़की तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी वो मर गई है। What? Oh my God. Don't worry बेटा, मैं सब कुछ handle कर दूंगा। तुम अमेरिका जाओ। I'm sure बेटा, I'm sure. Don't worry. I'm scared. I'm so scared. मारिया हमेशा मेरे गुस्से को बर्दाश्त करती थी, मुझे तो अब दुख हो रहा है कि मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे पाई जिसकी वो काबिल थी। मारिया किसी के लिए भी दिल में कोई कदूरत नहीं रखती थी, हर किसी को माफ कर दिया करती थी। मारिया अपने बुजुर्गों से ही बहुत मोहब्बत करती थी। अच्छा सर, मैं काशान को देखकर आती हूँ, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा बेटा, जब शाहिद ने बताया है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के सुला दिया है उसे, तो क्यों इसरार कर रही हो देखने की? शायद आपने सारी जिंदगी किसी के भी जज्बात की परवाह नहीं की। बिना ये तुम क्या रही हो? जो लड़की मुझसे पहले मेरे दिल की बात समझ आया करती थी वो ये बात कर रही है। मुझसे साहब की परेशानी नहीं देखी जा रही,
ऐसे आदमी पुलिस वालों को नहीं मिलते, तुझे कहां से मिल जाए? चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मिशन कंप्लीटेड। मेरी आंखें खोलो। हाँ मैं 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर दूंगा, बताओ कहाँ लाना है। करोड़पति। अरे माँ मेरे भी दिल में सोहिल सफर यूं पल में हुए हैं। मुस्कुराते पल है कैसे मेरे सपनों के आसपास, उनसियत की खुशबू जैसे।